हेलो वेलकम टू अचीवर साइंस। हम क्विक रिवीजन करेंगे नेचर ऑफ मेमोरी में। तो हमने बेसिक चीजें मेमोरी के बारे में डिस्कस की थी कि मेमोरी क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे इसका कंसेप्ट है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आते हैं कि मेमोरी की स्टेजेस क्या होती है। मेमोरी 3 स्टेजेस में फॉर्म होती है। फर्स्ट इज सेंसरी मेमोरी, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमने स्टेज मॉडल में ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से रिसीव होती है वो रिसीव होने के बाद हमारे सेंसेस पे आकर रजिस्टर होती है। सेंसेस के थ्रू वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर पेइंग सर्टेन अटेंशन टू इट। उसके बाद अगर हम उसका इलैबोरेटिव रिहर्सल करते हैं, डिटेल में रिहर्सल करते हैं, बार बार रिहर्स किए जाने की वजह से वो मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। हमने तीनों को एक एक करके समझा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। एक क्विक रिविजन इसका करते हैं और इसी के संग हम इसकी कनेक्टिविटी में लेते चलेंगे टॉपिक को, और आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि हम कहाँ से अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सी, सबसे पहले हम सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं। सेंसरी मेमोरी यानी कि वो इन्फॉर्मेशन, जब कोई इन्फॉर्मेशन हमें अपने सेंसेस के थ्रू रिसीव होती है तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, समटाइम लेस देन अ सेकंड वो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, हमारे पास रहती है। ये वो चीज़ होती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, सुनते हैं और तुरंत ही भूल जाते हैं। मतलब वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि हम उसको थोड़ा भी अटेंशन पे करके माइंड में सेव करें कुछ देर के लिए भी। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन पर थोड़ा भी ध्यान देते हैं, यानी कि हमने उस पर अटेंशन पे कर दिया, उस इन्फॉर्मेशन पर जब हम अटेंशन पे करते हैं तो अटेंशन पे करने के साथ ही वो मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये मेमोरी जो होती है ये भी बहुत बड़ी नहीं होती है, ये भी फ्रेगाइल होती है, बट ये इतनी फ्रेगाइल नहीं होती है जितनी शॉर्ट टर्म, जितनी सेंसरी मेमोरी होती है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन के हमारे के लिए हमारे पास रहती है। वो लॉन्गर ड्यूरेशन कितना होता है, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा वो भी नहीं होता। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाती है, अगर वो हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तब हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस और नॉट। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देन वी आर रिक्वायर्ड टू सेव इट समवेयर, देन वी आर रिक्वायर्ड टू रिहर्स इट। फॉर एग्जाम्पल, यू गो ऑन योर वे, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपने कोई भी एक एडवर्टीजमेंट देखा, आपने उसको देखा, इग्नोर कर दिया, देन इट इज अ सेंसरी मेमोरी, जो आपने बस आपकी नजर गई और आप उसको भूल गए, देन इट इज सेंसरी मेमोरी। आपने उस एडवर्टीजमेंट को देखा और आपको लगा कि इट इज समवेयर इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ न्यू कोचिंग इन योर सिटी और न्यू रेस्टोरेंट और एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग। आपने कुछ देर उस पर ध्यान दिया कि ओके, इसका एड्रेस क्या है, आपने उसकी स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दिया, इट विल टेक अ मिनट अराउंड। जब आपने इसको ध्यान दिया तो आप ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बन गई, क्योंकि कुछ देर के लिए वो आपके पास स्टोर हो गई, तो ये बन गई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाउ इफ यू आर वॉचिंग इट, आपने वहाँ के फोन नंबर को कॉल किया और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ली, तो ये आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जान गए। मीन्स आपको पता चला कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, रेस्टोरेंट और वट एवर यू आर वॉचिंग वो कहाँ पर है, उसके बारे में आपको पता चला। फिर आपको ये भी मालूम चला ओके, ये तो जिस लोकेशन पर है वहाँ पर ये इसके नियर बाय है। मीन्स यू कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड दिस इज हाउ ये आपके पास लॉन्गर और भी ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आ गए। बट दैट्स नॉट इट। रिहर्सल का मतलब होता है कि उस चीज़ का बार बार रिपीटेशन करना, उसको बार बार रिकॉल करना। एवरी डे वेन यू आर पासिंग थ्रू दैट प्लेस, आप उस होर्डिंग को देखते हो, आप उस एडवर्टीजमेंट को देखते हो, आपको माइंड में फिक्स होता चला जाता है। अब क्या है, अब अगर आप उसको नहीं भी देख रहे हो, इवन देन द इन्फॉर्मेशन इज इन योर माइंड, वहां पे क्या क्या लिखा है उस होर्डिंग पे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आपको एक तरीके से याद हो जाती है। अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के और एग्जांपल्स की बात करें तो जो कुछ भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं इनको आप अच्छे से पढ़ते हैं, जब आप शुरू में आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, देन यू जस्ट गेट टू नो अबाउट इट। थोड़ी देर आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप जो अपने सिलेबस की चीज़ें पढ़ते हैं वो आपके लिए सेंसरी मेमोरी नहीं होती है, क्योंकि आपको उनको इतना तो ध्यान देना ही होता है कि अगर आपने 30 मिनट की क्लास में 5 टॉपिक पढ़े तो वो आपके माइंड में थोड़ा सा रह जाते हैं। जब आप चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स आपके माइंड में फिक्स होते चले जाते हैं। आप उस सिचुएशन पे भी पहुंच जाते हैं बार बार रिहर्सल करने की वजह से कि कोई और आपसे पूछे तो आप उसको बता पाते हैं, किसी और को आप पढ़ा पाते हैं। तो ये सब किस वजह से हो पाता है, बार बार रिहर्सल करने की वजह से। आपने स्टेज मॉडल की पिक्चर को ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखा रही हूँ, आप दोबारा देख सकते हैं। स्टेज मॉडल में आप सबसे पहले देखिए कि एनवायरमेंट से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो कुछ भी स्टिमुलाई
हमारे पास अवेलेबल होती है, जो भी होता है जिस पर भी हम अपना ध्यान देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से चलकर हमारे सेंसेस तक पहुंचती है। जब ये इन्फॉर्मेशन बस जस्ट टकराती है कह सकते हैं हमारे सेंसेस से, तो ये बन जाती है सेंसरी मेमोरी। आप दोबारा ध्यान से देखिए, सेंसरी मेमोरी के जस्ट बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अटेंशन, यानी जब आपने जो इन्फॉर्मेशन आपसे टकराई, आपने जब उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया, जब आपने अटेंशन पे किया। अब ये कौन सा अटेंशन होगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने उठ सकता है, आपके माइंड में चीज आ सकती है कि क्या ये सेलेक्टिव अटेंशन होगा, क्या ये सस्टेन्ड अटेंशन होगा, क्या ये डिवाइडेड अटेंशन होगा। तो अटेंशन वाला चैप्टर आप पूरा पढ़कर आए हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे होगा। तो अटेंशन जो है, अटेंशन पे करने की वजह से सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो रही है। आगे स्क्रीन पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब रिहर्सल लिखा हुआ है, राइट, एलैबोरेटिव रिहर्सल या किसी भी तरीके का रिहर्सल, जिसको करने की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो रही है। हमने इन तीनों के बारे में पहले भी डिटेल में पढ़ा है, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी दीज प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दे आर कॉल्ड कंट्रोल प्रोसेसेस। प्लीज लिसन टू दैट अगेन, कि द प्रोसेसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एन इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट फ्रॉम देयर वन फेज टू अनदर, और फ्रॉम वन काइंड ऑफ मेमोरी टू अनदर, और वन स्टेज ऑफ मेमोरी टू अनदर स्टेज ऑफ मेमोरी, दैट आर कॉल्ड कंट्रोल प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस को एटकिंसन एंड रिचर्ड ने ही डिफाइन किया था। आपको पता ही है कि एटकिंसन रिचर्ड शिफ्रिन का ही मॉडल है, स्टेज मॉडल जो है वो मेमोरी का एटकिंसन और रिचर्ड ने दिया था। तो इन्होंने इस कंट्रोल प्रोसेसेस को भी एक्सप्लेन किया है कि ना केवल मेमोरी का एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट होना इस स्टेज मॉडल का पार्ट है, बट ऑल्सो ये कंट्रोल प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस मेमोरी को या इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतने डिस्कशन के बाद हम अब टॉपिक पर आए हैं कि हमें एक्चुअली आज पढ़ना क्या है। आई होप कि कनेक्टिविटी की वजह से आप समझ पाए होंगे कि ये कंट्रोल प्रोसेसेस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं स्टेज मॉडल में। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल प्रोसेसेस होते कौन कौन से हैं। देखिए, दो तो आपको पिक्चर में नजर आ गए, एक हमने अटेंशन की बात करी और दूसरा हमने रिहर्सल की बात करी। इन्हीं को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अटेंशन, जो कि होगा सेलेक्टिव अटेंशन। आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं सेलेक्टिव अटेंशन, आप नहीं जानते हैं क्या होता है, तो आप चैप्टर 5 का कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें सेलेक्टिव अटेंशन के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो वहां पर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम जिस कंट्रोल प्रोसेस की बात करेंगे, दैट विल बी सेलेक्टिव अटेंशन। सेकंड हम बात करेंगे मेंटेनेंस रिहर्सल। थर्ड हम बात करेंगे चंकिंग। एंड देन फोर्थ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलैबोरेटिव रिहर्सल्स। इन चारों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड दीज फोर आर कॉल्ड कंट्रोल प्रोसेसेस। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अटेंशन से, जिसको कि हम यहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन कह रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन सेंसरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, तो वहां पर हमें स्ट्यूमुलाई को सेलेक्ट करना होता है। अटेंशन पे जो हम करते हैं वो सेलेक्टिव अटेंशन होता है, ड्यू टू द फैक्ट कि सेलेक्टिव अटेंशन में हम स्ट्यूमुलाई पर अटेंशन जो है वो पे करते हैं, बट वी सेलेक्ट समथिंग आउट ऑफ इट। ऐसा हम क्यों करते हैं, मैं आपको ये चीज़ भी समझाती चलती हूँ। जब आपने रास्ते में कोई भी चीज़ देखी, या आप कोई भी पर्टिकुलर बुक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अपनी बुक में सर्च कर रहे हैं, या किसी पेज पर कुछ सर्च कर रहे हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट इट, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर चीज़। जो भी चीज़, जिस चीज़ पर भी आप फोकस करना चाह रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर पर फोकस करना होता है, यानी आपको सेलेक्टिव होना होता है वहाँ पर। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी से शॉर्ट टर्म में जा रही है, उसके लिए हमें सेलेक्टिव होना है। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ जो है वो हमारे लिए फिलहाल इम्पॉर्टेंट है, हम उसको ही अपने सेंसेस से आगे ले जाकर शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है वो यहाँ पे हो जाती है कि जो अटेंशन होता है वो सेलेक्टिव अटेंशन होता है। तो सेलेक्टिव अटेंशन पहला कंट्रोल प्रोसेस होता है, जो कि हमारे स्टेजेस को रेगुलेट करता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है, सेकंड कंट्रोल प्रोसेस आता है मेंटेनेंस रिहर्सल। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने रिसीव करी, उसको कुछ देर तक हमें मेंटेन करके अपने पास रखना है। मेंटेनेंस रिहर्सल में जो वर्ड है ना, मेंटेनेंस एंड रिहर्सल, यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉर द टाइमिंग हमें मेंटेन करके रखना है, इसीलिए उसका नाम है मेंटेनेंस रिहर्सल। ऐसा रिहर्सल जिसे बहुत ज्यादा भी नहीं करना है और इतना करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वाइव कर जाए। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बेटर समझाने की कोशिश करती हूँ।
आपको मान लीजिए आपके एक फोन में ओटीपी आया, राइट? ओटीपी आपको किसी दूसरे, आप मान लीजिए लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, फोन पे आपके ओटीपी आया, तो आपको, आप वहां से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मान लेते हैं ऐसा ही होगा कि आप फोन से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इवन जब तक आपने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अब जब आपके पास लैपटॉप, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, ओटीपी आया, आप उसको जब तक अपने लैपटॉप में जहां पर आपको उस ओटीपी को फीड करना है वहां तक के प्रोसेस में जब तक आप उसको याद करके नहीं रखेंगे, सपोज द ओटीपी इज 512345, सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिहर्स इट, 512345, 512345, दिस इज हाउ यू विल रिकॉल इट अगेन एंड अगेन, सो यू विल मेंटेन इट फॉर द टाइमिंग जब तक आप उसको यूज नहीं कर लेते, राइट? तो ये हो गया, ये वो रिहर्सल हो गया जो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करे रखने के लिए, जिंदा बनाए रखने के लिए, कि जब तक हमें वो हमारा काम नहीं हो जाता हमें उसको यूज करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा रिहर्सल जो किसी भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखता है तब तक जब तक हम उसका यूज नहीं कर लेते, वो कहलाता है मेंटेनेंस रिहर्सल। इसके बाद आता है एक और कंट्रोल प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं चंकिंग। सी, आई वुड सजेस्ट यू कि चंकिंग के लिए एक स्पेशली मिलर्स मैजिक नंबर जो है उसका एक स्पेसिफिक वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं समझा रही हूँ, लेकिन वो एक अपने आप में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि मिलर्स मैजिक नंबर क्या है, चंकिंग क्या होती है, कैसे होता है डिटेल में। बट चंकिंग इज बेसिकली ग्रुपिंग, चंकिंग जो वर्ड है दैट जो है ग्रुपिंग है। जैसे कि मान लीजिए आपका आपका जो फोन नंबर है आप उसको वन बाय वन डिजिट में याद कर सकते हैं, आपका तरीका है, आप इसे कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट फोर डिजिट के बाद 3-3 के सेट में याद कर लिया, 4-3-3। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं 2-2-2-5 जो उसके सेट बना सकते हैं, राइट? तो चंकिंग, दिस इज कॉल्ड चंकिंग। अगर सिंपल मैं बोलूं कि चंकिंग क्या है तो ये है, ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट नहीं होने देता। कोई भी कंट्रोल प्रोसेस जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट होने से बचाने के लिए होता है। कंट्रोल करता है मीन्स इन्फॉर्मेशन मिस्ड आउट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उसको रोके रखने के लिए, उसको फॉरवर्ड करते ले जाने के लिए। अब जो भी जिस कंट्रोल प्रोसेस में जैसे एफर्ट्स लगेंगे वो उतना ही इन्फॉर्मेशन को सर्वाइव कराएगा। अभी हम जो तीन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं इन तीनों में ही इंफॉर्मेशन सेंसरी से कन्वर्ट होकर शॉर्ट में जाती है। जब हम अटेंशन पे करते हैं तो हमें पता है सेलेक्टिव अटेंशन पे करने के बाद इंफॉर्मेशन सेंसरी से शॉर्ट में जाती है। जब हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन सेंसरी में लॉस्ट ना हो जाए, उसको शॉर्ट टर्म तक ले जाने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए हम मेंटेनेंस रिहर्सल का यूज करते हैं। देन कम्स चंकिंग। चंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। मान लीजिए कि आपके पास फोन नहीं है, किसी ने बोला कि जरा मेरा नंबर सेव कर लो, तो आपने जब तक किसी ने नंबर बोला तो आपने पेपर पेन निकाला फटाफट से, जब तक आपका पेपर पेन आप अपने बैग में ढूंढ रहे हैं या मे बी आप फोन ही ढूंढ रहे हैं नोट करने के लिए, उतनी देर में आप क्या करेंगे उसको फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, या कहीं पे कोई फोन नंबर लिखा हुआ है और आप उसको देखकर नोट करना चाहते हैं या वो स्क्रीन पर आ गया, वही चीज एग्जांपल हो गई ओटीपी वाला, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप फटाफट से उसको बार बार याद करेंगे, ग्रुप में याद करने की कोशिश करेंगे, बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो लॉस ना हो जाए। तो एवरी टाइम वी यूज दीज प्रोसेसेस टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन टू कीप इट गोइंग, ये हम कह सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं चंकिंग, आपको समझ में आ गया, चंकिंग में हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग की हेल्प से चीजें आसान हो जाती हैं। और ये चंकिंग का जो कंसेप्ट है वो मिलर ने दिया था, मिलर ने अपना एक मैजिक नंबर भी दिया है जिसे हम बोलते हैं मिलर्स मैजिक नंबर। मिलर्स मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो डेटा होता है वो 7+-2 की फॉर्म में हमें दिखता है। इसे मतलब यहाँ पर ये है कि या तो इंफॉर्मेशन 5 बिट्स में लर्न हो जाती है या 9 बिट्स में लर्न हो जाती है, 7+-2 का उसका कंसेप्ट रहता है। उसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, उसकी फिलहाल जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन अगर उसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं देन प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट विल बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू। और वो है भी आपके सिलेबस में, मिलर्स मैजिक नंबर भी आपके सिलेबस में है, बाहर की चीज़ नहीं है, तो वो भी आपको समझ लेनी चाहिए, आपके काम आएगी। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल की। द वर्ड सेज इलैबोरेशन, इलैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब हो गया, अब जो रिहर्सल है वो इलैबोरेशन के साथ होगा, लार्ज स्केल पे होगा, ज्यादा प्रैक्टिस की हमें जरूरत होगी। तो इलैबोरेटिव रिहर्सल और मेंटेनेंस रिहर्सल के बीच में डिफरेंस का एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जब ये डिफरेंस आएगा तो बहुत
सिंपल सी बात है कि मेंटेनेंस रिहर्सल में हमें इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना होता है जब तक वो हमें यूज करनी होती है, लेकिन इलैबोरेटिव रिहर्सल में हम क्या करते हैं, हम इलैबोरेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बार बार, कई बार, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे पास रह जाती है। इलैबोरेटिव रिहर्सल का जो यूज होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए होता है, जबकि मेंटेनेंस रिहर्सल जो होता है वो सेंसरी मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए होता है। एक डिफरेंस ये भी हो गया आपके पास, दो डिफरेंसेस तो यहीं से निकला है इस डिस्कशन से। तो इलैबोरेटिव रिहर्सल कब यूज होता है, जब हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार हमें रिहर्स करना होता है। ये इलैबोरेटिव रिहर्सल्स क्या है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, अब आप यहाँ पर आकर वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इसके बाद आप अपने नोट्स पे भी जाकर रिकॉल करें, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में आपका सबसे अच्छा स्कोर क्लास में आ पाए। तो वो सारे एफर्ट्स जो आप एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन को लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव कराने के लिए करेंगे, वो होगा इलैबोरेटिव रिहर्सल। और इलैबोरेटिव रिहर्सल तभी यूज किया जाता है, तभी प्रैक्टिस में आता है, जब हमें इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करनी होती है। तो ये तो हो गए कंट्रोल प्रोसेसेस जिनके बारे में हमने बात करी, और इसी के साथ स्टेज मॉडल कंप्लीट हो गया। स्टेज मॉडल को जब आप डिफाइन करेंगे तो ना केवल उसकी स्टेजेस को डिफाइन करेंगे बल्कि उसके साथ साथ आपको कंट्रोल प्रोसेसेस को भी डिफाइन करना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताती चलती हूँ कि आपके एग्जाम में इस एक स्टेज मॉडल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस किस तरह से, आपसे सेंसरी शॉर्ट लॉन्ग मेमोरी के बारे में अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पूछी जा सकती है कि ये क्या होती है। एटकिंसन शिफ्रिन का स्टेज मॉडल अलग से पूछा जा सकता है। कंट्रोल प्रोसेसेस अलग से पूछे जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट में इलैबोरेटिव और मेंटेनेंस रिहर्सल का डिफरेंस पूछा जा सकता है। चंकिंग पर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बहुत सारा कुछ है जिसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यही वजह है कि मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि लास्ट वीडियो जो है वो भी अराउंड 24-25 मिनट्स का है, एंड इट बिकम्स वेरी हेक्टिक फॉर ऑल ऑफ यू कि एक बारी में पूरा एक घंटे का वीडियो देखना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ये वीडियो भी अच्छा खासा लंबा हो चुका है, तो अगर दोनों को मिला देंगे तब कहीं जाके हमारा स्टेज मॉडल कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए मैंने आपको इनिशियली बोला था कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तभी आपकी कनेक्टिविटी बन पाएगी। वैसे मैंने इस वीडियो में भी कोशिश करी है कि जो कुछ भी था उसको रिवाइज कराते चलूं, लेकिन एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जरूरी है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम इसके बाद आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हमने कंट्रोल प्रोसेसेस की बात करी, विच अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेज मॉडल। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है, देन प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड येस, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑलवेज शोइंग योर सपोर्ट, एंड कीप शोइंग योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो, यूल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।